नमस्कार भाइयों और की भाभियों। तो गाइस आप सबका स्वागत है पोकेमॉन डार्क राइजिंग 2 के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने फर्स्ट जिम में जीत लिया था और हमने इलेकिड को भी पकड़ा था, आपको याद होगा। तो चलो हमारा एपिसोड कंटिन्यू करते गाइस। मुझे पता है कि बहुत टाइम हो गया उसके बाद में डाल रहा हूँ एपिसोड, बट यार पोकेमॉन फायर एस में से टाइम ही नहीं मिलता, बस यही वजह से मैं नहीं डाल पाता ज़्यादातर एपिसोड जल्दी से। तो चलो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। ओके बैटल। हाँ तो बिजनेस मीटिंग्स के लिए लेट है, कोई बात नहीं, मैं तुझे जल्दी से हरा देता हूँ। और हम निकलते हैं गाइस। हुट हुट ओके, मैंने रखा है आगे गार्चोम को। रॉक स्लाइड सही मूव है इसके लिए। तो अभी आज मैं थोड़ा बोर हो गया था गाइस, इसी वजह से मैं डार्क राइजिंग 2 का एपिसोड बना रहा हूँ। जीरा फेरिक ओके, जीरा फेरिक के लिए तो यही सही पोकेमॉन है। गाइस ये ओमनी रीजन है, आपको अगर याद होगा तो। इसमें मुझे नहीं पता कि कौन से पोकेमॉन्स होते हैं, जैसे कि अभी हमें इलेक्ट्रिड मिला है कि बहुत बढ़िया। चलो लेट्स गो, बिजनेसमैन को मैंने हरा दिया है। नहीं इस साइड नहीं, अरे नहीं। चलो चलो चलो, बाई लाइट काउंटर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक पोकेमॉन, ओह एक पोकेमॉन बैटल, मज़ा आएगा गाइस। चलो लेट्स गो। दो पोकेमॉन है इसके पास, निडोरिनो और निडोरिना। मुझे जल्दी से हराना होगा इन्हें। आई थिंक रॉक स्लाइड और स्विफ्ट, ये सब मूव्स रहेंगे अभी के लिए। तो अर्थ पावर में इस्तेमाल नहीं कर सकता यार, क्योंकि इलेक्ट्रिक को भी डैमेज होगा, इसलिए मैं रॉक स्लाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई होप, अरे नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो इलेक्ट्रिक पर अटैक कर रहा है बेकार में। बहुत ही बढ़िया, चलो इससे भी मैंने हरा दिया है। कार्चोम्प हो चुका है 13 लेवल का। वैसे इलेक्ट्रिक अभी तक आयरन हेडो के आयरन टाइप मूव की जरूरत नहीं है मुझे ऐसे लग रहा है अभी के लिए, बट मेरे को डैमेज भी तो देखना है सबका। चलो चलते हैं गाइस लेट्स गो। तो अब मैंने रिपेयर इस्तेमाल कर ली है गाइस, लेट्स गो। ओ ये क्या खड़ा है यहाँ पे, ये सब क्या कर रहे हैं। ओके चलो बात करते हैं। ओ मुझे अकेली छोड़ दो तुम सब। गैरी मुझे पता है कि तुम्हारे पास ड्रैगन पोकेमॉन है। ओह मेरे पास कोई ड्रैगन पोकेमॉन नहीं है। नहीं मुझे याद है तुम वही लड़की हो, मैंने तुम्हें देखा था मैलेस कोर्टयार्ड में। ओके सिडनी, तुम हमारा पीछा कर रही हो। ओके ये पोकेमॉन में से कुछ चुरा भी रही थी, अरे वाह वाह, लगता है आज के लिए कुछ मसाला मिल गया है। कोई बात नहीं, इसके पास कौन सा ड्रैगन पोकेमॉन हो सकता है वैसे। ओह क्यों ना एक बैटल हो जाए, अगर मैं जीता तो तुम सभी चीज़ें वापस लौटा दोगी। ओके तो मैं ही जीतने वाला हूँ। इसका तुम सुन नहीं रहे हो, उसके पास ड्रैगन पोकेमॉन है। अरे यार चलो यार, बैटल करना इतनी क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, मुझसे बैटल नहीं करने देते ये लोग। ओ भाई साहब निडोरन, ओके निडोरन के मैं हरा सकता हूँ। लो किक बस काम कर जाए, अरे कुछ भी डैमेज नहीं दिया, वो मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ। लेकिन थोड़ी सी तो डैमेज दे कभी तो। मुझे पोकेमॉन स्विच आउट करना होगा, नहीं नहीं फाइट नहीं करनी है। मैंने आयरन हेड नहीं सिखाया गाइस, मुझे अभी जो मूव्स है वही सही लग रहे हैं अभी के लिए तो। और हाँ यहाँ पे ग्रास में आपको डियरलिंग भी मिल सकता है गाइस, मुझे मिला था बट मैंने पकड़ा नहीं। डियरलिंग फिर स्पीरो भी मिला था, लिलीपॉप भी मिला था, अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स थे बट मैंने नहीं पकड़े, क्योंकि मुझे कुछ अलग पोकेमॉन टीम चाहिए अच्छी वाली। मतलब वो सब भी अच्छे ही है बट
मुझे एकदम मस्त टीम चाहिए, कुछ अलग सी। ओ ये है नाइवन ड्रैगन पोकेमोन, वाह। अरे इसके पास 4 पोकेमोन है। आई होप मैं अटैक, अरे एड स्लैश करने पहला किया है, डैमेज बहुत ज़्यादा दे गया फिर भी वो। ओ प्लीज़ गार्चम, प्लीज़ 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 सुपर पोशन, अब मुझे नील का वो जीत पाएगी। अगर वो अटैक कर दी तो शायद गार्चम को हरा भी देती अगर कोई ड्रैगन टाइप अच्छा मूव होता तो, बट अब खेल ख़त्म हो चुका है उसका। नॉइवन को मैंने हरा दिया है। सवाइपर, सवाइपर के सामने तो ग्राउंड टाइप मूव पावरफुल रहते हैं। अर्थ पावर बहुत ही बढ़िया। गार्चम्प हमारा हो चुका है 31 लेवल का। फैनेकिन, फैनेकिन के लिए भी यार यही रखूंगा मैं। इलेक्ट्रिक को ट्रेन तो करना है, बट मैं यार क्या करूँ अभी, सही पोकेमोन के सामने मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ। अगर इलेक्ट्रा बज होता तो मेरे लिए दिक्कत नहीं थी, बट वो इवॉल्व नहीं हुआ है, ये एक प्रॉब्लम है। और इवॉल्व तो वो बाद में ही होगा, अभी तो नहीं होगा। ओह मैं हार गई। ओह वो बहुत पावरफुल थ्री। ओके मैं मन में सोच रहा हूँ कि वो नाइवन था, मुझे जहाँ तक पता है एस के पास भी ये पोकेमोन था। चलो यार गैरी, मैंने कहा था ना तुमसे उसके पास एक ड्रैगन पोकेमोन है, बट अब तुम्हें सभी चीज़ें वापस करनी होगी जो तुमने चुराई थी सिडनी। अरे ये तो पुलिस के पास नहीं, क्या तुम जोक मार रही हो सिडनी? बस मुझे अकेली छोड़ दो। हे वो भाग रही है स्काई, जल्दी से उसे। ओके वो वाल्टन सिटी गई है। ओके तो हमें भी केव में जाना है इसके साथ। ये है लूनार केव। गाइस आपको यहाँ पे कुछ है, टोटोडाइल भी मिल सकता है, बट थोड़े से चांसेस कम होते हैं उसके, इससे बच कर निकलना है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओ ये, अरे यार रिपेल क्यों ख़त्म हो जाती है भाई? बैटल, सबको बैटल के लिए पूछना पड़ता है यहाँ पे तो। इसके पास कौन से पोकेमोन? दो पोकेमोन है इसके पास। सेंसरी, ओके सेंसरी को तो मैं हरा दूंगा। क्रंच इस्तेमाल करूंगा इस पर, तो वैसे ग्राउंड टाइप मूव भी पावरफुल है, बट मैं करंट से हरा सकता हूँ तो पीपी क्यों वेस्ट करूँ? अरे थोड़ा सा बच गया, कोई बात नहीं। चलो चलो डिकलेट को भी हरा देंगे जल्दी से। इसके ऊपर ड्रैगन फ्लो इस्तेमाल करूँगा मैं। बहुत ही बढ़िया, ओके सो हमें जाना है नीचे की ओर। मिला था मुझे गाइस एक ल्यूनाटॉन, बट मैंने नहीं पकड़ा। यहाँ पे एक रास्ता है, इस साइड भी एक रास्ता है। ओके सो चलो चलते हैं गाइस। अरे एक पोकेमोन आ गया, कैसे आ गया? बट गेम का ग्लिच है क्या ये? कुछ भी, एक स्वूबैट, नहीं वूबैट है ये तो, स्वूबैट नहीं है। लूनार केव का सेकंड फ्लोर है ये। नहीं मैंने रिपेल इस्तेमाल नहीं की क्या? जियो डूड ओके अच्छा पोकेमोन है, बट चलो चलते हैं गाइस। ये बंदा ऊपर कैसे चढ़ गया? जा सकते क्या यहाँ से ऊपर? अरे कैसे चढ़ा ये बंदा ऊपर? फंस तो नहीं गया ना वो कहीं? नीचे भी रास्ता है ऊपर, ऊपर चेक कर लेते, कुछ भी नहीं है। ओके चलो नीचे बैटल। सो मैं इससे बैटल करने वाला हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बिल्कुल मेरे पोकेमोन की तरह से। चलो एक अच्छा बैटल दे हमें ये, मैं आई होप ऐसा आशा करता हूँ मैं। इसके पास दो पोकेमोन है, ग्रेवलर एंड सेंसलेस। ओके ये डबल बैटल करना चाहता है, दिक्कत क्या है पता है?
वो इलेक्ट्रिक पर अटैक करेंगे तो मुश्किल होने वाली है। मैं एक पे ही अटैक करूँगा, इनके लेवल्स भी ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया गार्चोम, मैं यही चाहता था तुमसे। गार्चोम हो चुका है 430 का, नहीं 34 का, उतना डैमेज नहीं दे पाया मैं, बट ये मुँह क्या यार ये, चलो कोई बात नहीं, इसने किसी को डैमेज तो नहीं दिया, यही अच्छी बात है मेरे लिए। तो भाई चलो मैं जल्दी से बैटल ख़त्म करता हूँ यार। ड्रैगन क्लॉ, अरे वो बच निकला यार। शैडो क्लॉ, इलेक्ट पे एलिकट तो गया मेरा, कोई बात नहीं। गार्चोम है ना, फ्रंट से ख़त्म। अरे वो क्या कर रहा है, सुपर पोशन भाई, मेरे पास सुपर पोशन नहीं है, तुम्हारे पास है। एक और सैंड स्टॉर्म आ रहा है यार, क्या करूं मैं इन्हें जल्दी से हराने के लिए। एक ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करता हूँ फिर से, अगर मैंने डियरलिंग पकड़ा होता तो यहाँ पे अच्छा ट्रेन हो जाता वो। चलो मैंने इसे हरा दिया है, वैसे ये ताकतवर तो था। ओह यहाँ पे एक चीज़ है मेरे लिए, क्या है ये, एंटीडोट, बहुत ही बढ़िया, बट मैंने खरीद के रखे हुए हैं। इस साइड कुछ भी नहीं है तो वापस जाना होगा मुझे जल्दी से, मतलब इस साइड जाना है हमें। चलो जी चलते हैं। ओ ये बंदा क्या कर रहा है वैसे यहाँ पे, ओ अरे ये तो बैटल कर रहा है। वैसे यहाँ पे कौन सा पोकेमोन मिल सकता है, अभी इलेक्ट होता तो अच्छा रहता, अब हमारे लिए टिम्पल और रैमो रेड 1v2 सिचुएशन है ये तो। अरे इलेक्ट को कैसे भेज दिया इसने, है मुझे भी नहीं पता ये तो, बट मैं अटैक कर पा रहा हूँ इलेक्ट की मदद से अभी भी। क्या बात है, कैसे हुआ ये, इलेक्ट अभी भी बैटल में यार, क्या है ये मजाक है। ठीक शायद टोटोडाइल यहाँ पे मिल जाए, मैंने रिपेल इस्तेमाल की है तो मुझे तो मिलेगा नहीं, नीचे की ओर रास्ता है मतलब। अरे गाइस मैं नीचे आया और यहाँ नीचे रास्ता मिल गया है मुझे। अरे चलो ऊपर जाना है। ओ हम वॉल्टन सिटी पहुंच गए भाई साहब। अरे वहाँ पे एक बंदा खड़ा है, टीम कौन सी टीम थी मैं भूल गया। तो हम पहुंच चुके हैं द वॉल्टन सिटी। वैसे पोकेमॉन सेंटर कहाँ पे है मैं चेक करता हूँ। तो हम हुआ चुके हैं गाइस वॉल्टन सिटी, और यहाँ पे जिम है, मतलब कि यहाँ पे हमें हमारा सेकंड जिम बैच मिल सकता है। बाजू में जिम है, जिम तो बाजू में है, तो चलते हैं जिम के लिए। गार्ड ओ मुझे माफ़ करना। ओके तो जिम लीडर इरॉन फैक्टरी में, मतलब इन्वेंशन मस्ट बी देयर विश। ओके सो मुझे जाना होगा वहाँ पे। सो लेट्स गो गाइस। ओके वन मैं स्विच आउट कर लेता हूँ। अरे इसे हरा भी कहते हैं। ओह तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे, क्योंकि ये फैक्ट्री जाने को ना बोल रही है, इसका बिल्कुल यही मतलब है कि हम सही रास्ते पे हैं। वो बैट 34 का है गाइस, और हमारा इलेक्ट्रिक इतना पावरफुल नहीं है कि हरा दे उसे। तो मैं पोकेमॉन स्विच आउट करूँगा गार्चोम पे गाइस। वैसे मैंने अभी एक मैरी भी पकड़ा था, जो कि मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं बताया, बट मैंने पकड़ा था, और मुझे एम्फारस पसंद भी है, बट मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ही रख रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक को इवॉल्व कर सकते हैं इलेक्ट्रा बज और इलेक्टिवायर में, तो इसीलिए मैं रख रहा हूँ। वैसे मैरिप 27 लेवल का था,
के देखो इलेक्ट्रिक 23 का हो गया है, इलेक्ट्रा बस इवॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रा वायर में 45 लेवल पे, ऐसा इस गेम में है बस, बाकी गेम्स का नहीं पता, उसमें तो ट्रेड करना पड़ता है, इसीलिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना है वो पोकेमॉन। ओ फ्रीली सेंड विल बी, एक वाटर टाइप होगा, ओके दोनों ही वाटर, एक वाटर टाइप है एक फ्लाइंग टाइप है। चलो जल्दी से चलो, अरे यार कितना अटैक कम करेगी भाई, ये वाटर पे इस्तेमाल करूंगा मैं और रॉक स्लाइड दोनों पे। ओ मुझे लगा नहीं था वल भी बच पाएगा, बट कोई बात नहीं, फ्रीली हार जा रहे, क्यों नहीं हारा भाई तू, टॉक्सिक नहीं प्लीज, नहीं ऐसा मत कर मेरे साथ, पॉइजन कर दिया यार, ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ग्रास नॉट रिलेटेड पे, ओके मुझे जल्दी से बैटल खत्म करना होगा। चलो बैटल खत्म हो चुका है यहाँ पे हमारा, जी हाँ तो मैंने दोनों को ही हरा दिया है। चलो चलते हैं आगे, ओके ये बैटल करेगा हमसे, तुम फैक्ट्री जाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ बिल्कुल मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, सो लेट्स गो गाइस। टिकेट, अरे एक भी तो हार सकता था, कोई एक तो हार सकता था, इनमें से कोई भी नहीं हारा। शॉक वेव सही मूव है, ग्रीमर हार गया, बहुत ही बढ़िया। चलो मैंने भी हार, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और टीम मैग्मा यहाँ पे क्या कर रही है, रिलीज आई होप लेकिन तुम कर दिखाओ, क्यों मेरे साथ तू क्यों ऐसा कर रहा है प्लीज़ यार, ओके मैं पोकेमॉन स्विच आउट करूँगा, बहुत ही बढ़िया, टीम मैग्मा भी यहीं पे है, क्यों आखिर ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है, लेकिन लड़ नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया, चलो करंट समय इसे भी हरा दूंगा, ओके सो मैंने नॉर्मल स्पीड कर दी है फैक्टरी में, अरे नहीं यार जी हाँ तो मुझे मिला था एक लक्सियो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ओके दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, करना भाई फाइट, दोनों को हरा दिया है मैंने, अबे एक साथ क्यों नहीं आ सकते तुम लोग लड़ने के लिए, वाली आ चुके हैं गाइस हमारे यहाँ, तो आपको अगर नहीं बता दो बता देता वो अभी से, वैसे मुझे लक्सियो मिला था 32 का बट मैंने नहीं पकड़ा, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत, ये क्या है मैक्स पोशन, अरे अभी भी कैसे आ रहे हैं पोकेमॉन, प्रोफेसर रॉक
अरे मुझे लगा प्रोफेसर ऑक है, ये क्या बातें चल रही इनकी। ये बैटल नहीं कर रहा मुझसे, कोई बात नहीं मत कर, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो मैंने रॉक स्लाइड इस्तेमाल किया है, मैंने जल्दी से हराना चाहता हूँ। अरे अर्थ पावर अच्छा मूव था बट मैं हरा दिया है तुम्हें। चलो एक गए, गाड़ी इस्तेमाल करूंगा मैं। नीचे कुछ है क्या खास? ओके ये क्या है? अरे इलेक्ट्रा बॉल, अरे भाई जाने दे मुझे। सो चलो चलते हैं गाइस, मैंने स्पीड हैक नहीं इस्तेमाल किया है, डोंट वरी, बस फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ओके रॉक स्लाइड सही मूव है इनके लिए। तो थोड़ा सा बच गया वो। तुम कौन हो? भाई मैं तेरा बाप हूँ, ऐसा डायलॉग मैं बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। ये तो देखा हुआ लग रहा है। हाँ यस ये लड़की, ओके ये क्या कर रहा है? ओके तो हमें कुछ इस साइड जाना है, पूरा बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ वहाँ पे एक अलग बंदा खड़ा है। अरे मेरे स्पीड की वजह से मैं जा, ओ भाई साहब हाइड्रेजियन, ओ भाई साहब ये तो, ये कौन है? यॉन स्काई क्या ये तुम हो? ओ मैं अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मैंने टीम एक और टीम मैग्मा के साथ फाइट की लेकिन मैं नहीं हरा पाया उन्हें। ओके मुझे इनसे बैटल करना होगा क्या? टीम मैग्मा का लीडर, ओह ओके कायो इनफ टॉकिंग, हाइड्रेजियन हाइपर बीम, हाइड्रेगन नहीं हाइड्रेजन ही हाइड्रेगन होता है शायद, मैं नहीं जानता इसे बट, और मैंने कभी इससे धमकी भी नहीं दी। चलो यार बैटल हो जाए एक बहुत ही तगड़ा वाला। जी हाँ मैं बैटल चाहता हूँ यार, टीम मैग्मा का लीडर मेरे साथ बैटल करने वाला है, मजा आएगा। टाइप फ्लोजन अब मेरी फट रही है सच कहूँ। आई होप टाइप फ्लोजन हार जा प्लीज, तू बचना मत यार, क्यों बच गया तू? हाउल चलो कि तो वो कुछ फुल रिस्टोर इस्तेमाल करने वाला है, बहुत ही बढ़िया, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा पक्का। क्रंच से कितना डैमेज होता है मुझे देखना है। अरे भाई साहब क्या ही डैमेज दिया है, एक और क्रंच और बैटल ख़त्म। मतलब टाइफ्लोजन को तो हरा ही दूंगा मैं, मतलब कि इस गेम में टाइफ्लोजन भी होता है बट मैं पता नहीं कब, अगर मुझे मिला तो शायद मैं पकड़ भी लूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कैमरूप्ट को हराना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा मुझे, ड्रैगन क्लो की, ड्रैगन क्लो है मेरे पास। आई होप ड्रैगन क्लो काम कर जाए, थोड़ा सा बच गया है वो। बॉडी स्लैम अच्छा मूव है, ओके मैं पैरालाइज हो चुका हूँ अब तो। यार तू क्यों मूव इस्तेमाल कर रहा है मुझसे पहले, मुझे करने दे। बहुत ही बढ़िया, लैम्पेंट, ओ ये लैम्पेंट होता है। मैं सोच रहा था गाइस पोशन इस्तेमाल कर लूं, ये सोलार बीम इस्तेमाल करने वाला है अब। प्लीज प्लीज गार्चोम्प, यस मुझे यही उम्मीद थी तुमसे।
बॉटम मैच ये कौन है मुझे नहीं पता, बट मैं जल्दी से इन्हें हराना चाहता हूँ। आई होप ड्रैगन क्लो, प्लीज ड्रैगन क्लो। ओ शिट यार, कंफ्यूज रहे, दिक्कत दे सकती है मुझे। गार्सोम प्लीज यार हर्ट मत करना, अटैक कर दे प्लीज तू मेरे लिए। यस गार्सोम, यस थैंक यू यार, ये बैटल बहुत इंटेंस हो रहा है। प्लीज डिस्चार्ज, ओके डिस्चार्ज का कोई अटैक मतलब डिस्चार्ज का कोई मतलब नहीं है मेरे साथ। यस गार्सोम पूरा हमारे साइड ही है भाई, वो कंफ्यूजन के बाहर आ चुका है। अब तो ये हरा ही देगा इन्हें। डमोर सो राइट को गाइस, मुकाबला ख़त्म करते हैं रॉक स्लाइड के साथ। नाइट स्लैस, ओह यस यस, वन एच पी अभी भी मैं हूँ, मतलब प्लीज़ गार्सोम अभी नहीं, ऐसा नहीं यार। ओके तो मुझे जल्दी से सुपर पोशन इस्तेमाल करना ही होगा, वरना ये मैच मैं हाथ से गवा दूंगा। अगर फुल रिस्टोर होता तो और अच्छा रहता। एक गीगा ट्रेन, ओके गीगा ट्रेन से ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। आई होप यार। आई होप नाइट स्लैश, फिर से नाइट स्लैश। गार्सोम आई बिलीव इन यू यार, प्लीज गार्सोम। यस भाई साहब, गार्सोम ने हरा दिया, क्या ही हराया है। तो हमने मैक्सी को हरा दिया है, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ओ डारोगीस कहाँ पे है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टीम है का लीडर, ओ यहाँ पे कोई चांस नहीं है, हम यहाँ से चलते हैं। मैक्सी हम तुम्हें फिर से मिलेंगे, कायो तुम कहीं पे भी जाओ बट मेरा एक जवाब देते जाओ। ओ कायो और पावरफुल हो चुका है। सो गाइस मुझे लगता है कायो हमारा फ्लोरिना कौन है। ओ हमने और टीम मेंबर्स को पकड़ लिया है। अरे यार चलो भाई अब ख़त्म करते हैं। ओके ये बैक क्या चल रहा है। मैक्सी गुड बाय, इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बट ये भाग गए। तो गाइस आज का एपिसोड आज हम यही ख़त्म करते हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मज़ा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। डार्क राइजिंग 2 यार बहुत तगड़ा गेम है, आप भी खेलो मज़ा आएगा, डाउनलोड करो और खेलो। तब तक के लिए बाय बाय।